की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद इन दिनों काफी ज्यादा तल्ख तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद उन्नाव पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित कई नेताओं पर निशाना साधा। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि बैरूपी है, जय भीम बोल के नीला पटका पहनकर आप लोगों के बीच में आएंगे, ऐसे लोगों को अब जूते मारने की जरूरत है। इस दौरान पत्रकार ने पूछा कि आखिर ये बैरूपी कौन होते हैं, तो आकाश आनंद पत्रकार पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अगर आप उसकी पब्लिसिटी करने आए तो वहां जाइए। आपने कहा कि हमें भाजपा से ही नहीं बहुरूपियों से भी सावधान रहना, एक दो नाम बता दीजिए कि बहुरूपियों से सावधान रहना। देखो, अगर बहुरूपियों का नाम ले लिए तो सब लोग उनको ज्यादा हवा देने लगेंगे। बहुरूपियों की आप सब जानते हैं बखूबी वो बहुरूपिये कौन है, और ये अभी के नहीं है, ये माननीय साहब के समय से ये बहुरूपिये प्रॉपर होते आते हैं, हर 2-5 साल में एक नया निकल आता है। तो चमचा युग किताब है, अगर आपके माध्यम से मैं बताऊंगा अपने सभी साथियों को, चमचा युग पढ़े, उन्हें समझ आ जाएगा बहुरूपिये कौन है। उनका कलर क्या है, किस झंडे, उनका झंडे कलर क्या है जो बहुरूपिये हैं, उनके झंडे का कलर क्या है? देखिए भैया, अगर आपको उसी की बात करनी है तो आप मुंह से अपने मुंह से बोल दीजिए ना, शर्मा क्यों रहे, शर्मा क्यों रहे, शर्मा क्यों रहे। एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक मिनट रुकिए, अगर आप उसकी पब्लिसिटी करने आए हैं तो आप अपना टाइम मत खराब कीजिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, जो अपने समर्थकों, जो अपने व्यूअर्स को एक्चुअल फैक्ट्स की बात करना चाहते हैं। मैं और किसी से अगर किसी के पास सवाल है तो भाई पूछे। उन्नाव में वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुद्दों पर बात करना जरूरी है, बहुरूपियों पर समय व्यर्थ करना कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हम आपको वो बयान सुनवाते हैं कि आखिर उस दिन आकाश आनंद ने अपनी रैली के अंदर बहुरूपिया किसको कहा और किस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था। परंतु साथियों, अब समय आ गया है कि ऐसे बहुरूपिये जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर माननीय साहब को, बाबा साहब को अपना महान नेता मानकर जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है, तो ऐसे लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। साथियों, बहुरूपियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटकर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का।